दिल्ली में मेयर का चुनाव स्थगित, मेयर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बाद स्थगित हुआ मेयर चुनाव। तो लगातार मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिल रही थी और इस बीच हंगामे के बाद स्थगित हुआ है मेयर चुनाव। तो दिल्ली में मेयर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है और मेयर के चुनाव के लिए लगातार देखिए घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखने को मिल रही थी। वो तस्वीरें भी देखने को मिली जहां पर हाथापाई पर उतर आए थे दोनों ही पार्टियों के। तो दिल्ली में मेयर का चुनाव अब स्थगित कर दिया गया है, मेयर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। बड़ी खबर इस वक्त आपको दिल्ली से दे रहे हैं जहां मेयर का चुनाव अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मेयर चुनाव को लेकर लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियों के बीच घमासान देखने को मिल रहा था और कई विवाद भी सामने आए। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जो संविधान पर तमाम सवाल भी खड़े कर रही थी। जिस तरह से हाथापाई देखने को मिली थी वो तस्वीरें अभी भी कोई नहीं भूला है। लेकिन इस बीच दिल्ली मेयर को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई थी, लेकिन अब अनिश्चितकाल के लिए ये चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से दे रहे हैं, मेयर चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। तो लगातार ये सुबह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो पूरा चुनाव है इसको लेकर हंगामा देखने को मिल सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं जहां मेयर के चुनाव स्थगित किए गए। तो अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित किया गया। किरण पाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, लगातार मेयर चुनाव को लेकर जो घमासान दिख रहा था लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया मेयर चुनाव। जी किरण। हेलो। जी किरण, देखा जाए आज दिल्ली को, आज ठीक है मेयर चुनाव होगा और दिल्ली को एक नया मेयर मिल जाएगा, परंतु जिस तरीके से हंगामे की भेंट फिर ये मेयर चुनाव चढ़ गया, 250 जो पार्षद थे उनकी शपथ अच्छी तरीके से हो पाई, फिर क्या नाम है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और हंगामा, और ये वही हंगामा अभी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सांसद सदन के खत्म होने के बाद जैसे ही घोषणा हुई कि अनिश्चितकालीन समय के लिए चुनाव टाल दिया गया, उसके बाद जब घर वापसी के लिए सांसद निकले तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता लगातार जोर शोर से क्या नाम है हंगामा वो भाजपा को दोषी ठहरा रहे हैं कि भाजपा ने हंगामा करके और आम आदमी पार्टी का मेयर बनने वाला था इसलिए हंगामे की भेंट चढ़ाया है इस सारे चुनाव को। और वहीं अगर बीजेपी के सांसदों से बात की जाए, रमेश बिदूरी, मीनाक्षी लेखी, सभी से बात करने पर उन्होंने भी ये कहा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि बीजेपी का मेयर बने क्योंकि वो डरे हुए बैठे हैं कि बीजेपी का मेयर बन रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।